दोस्तों, आप सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि हर किसी चीज का सेवन करने के बाद कुछ न कुछ फायदा आपके शरीर को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अश्वगंधा का सेवन करने से भी कई सारे फायदे आपके हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद होता है। तो उन्हीं में से कुछ बेहतर और कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और intohindi.com के इस YouTube चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में उपचार के लिए अश्वगंधा का उपयोग आज कोई नया नहीं है, बल्कि इसे प्राचीन काल से ही कई गंभीर बीमारियों के लिए उपयोग किया जा रहा है और जिसका सेवन करने के बाद आपके शरीर को कई सारे फायदे होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है अश्वगंधा के जबरदस्त फायदे। तो दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा रोग लग चुकी है और आप रात भर बेचैन रहते हैं और आप पूरी रात करवटे बदलते रहते हैं, तो आपको अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अश्वगंधा की पत्तियों में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नाम का यौगिक मौजूद होता है, जो सुकून भरी नींद को लाने में बहुत ही सहयोग करता है, ताकि आप सुकून और शांतिपूर्ण भरी नींद पूरी रात सो सके। इसके अलावा दोस्तों, अश्वगंधा आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ आपको स्ट्रेस से भी बचाता है। जी बिल्कुल ही, यदि आप अश्वगंधा को रोज दूध के साथ लेते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी इंक्रीज होगी और आप स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन करके आप अपने शरीर के बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही यह आपके दिल की मांसपेशियों को भी मजबूत कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वायलेंस में बना रहेगा। घुटनों के दर्द और सूजन को कम कर सकते हैं अश्वगंधा का सेवन करके। जी बिल्कुल ही दोस्तों, यदि आप में से कोई महिला या पुरुष है और आपके पैरों में सूजन या दर्द बना रहता है, तो आप इस समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं अश्वगंधा का सेवन करके, क्योंकि दोस्तों अश्वगंधा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन से राहत दिलाने के साथ दर्द को कम करने के लिए भी बेहद काम आता है। डायबिटीज के पेशेंट कर सकते हैं डायबिटीज को कंट्रोल अश्वगंधा का सेवन करके। दोस्तों, आज के दिनों में अनिद्रा और डायबिटीज जैसा रोग हो जाना आम बात है, पर यदि कोई परिजन डायबिटीज के मरीज है तो उन्हें अश्वगंधा का सेवन नियम अनुसार जरूर करना चाहिए, इससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल में हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अश्वगंधा के सेवन से बढ़ती है पुरुषों की यौन शक्ति। जी बिल्कुल ही दोस्तों, क्योंकि अश्वगंधा में ऐसी शक्ति वर्धक औषधियां मौजूद होता है जो पुरुषों में होने वाली यौन दुर्बलता को मजबूत बनाता है और वीर्य में कमी एवं शीघ्र पतन जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाने में बहुत ही अधिक हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, यह था कुछ जबरदस्त अश्वगंधा के फायदे। आइए अब हम आपको अश्वगंधा के सेवन करने की विधि के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन करना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो अश्वगंधा के चूर्ण को पानी, शहद या फिर घी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं, या फिर मार्केट में मिलने वाले अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा चाय और अश्वगंधा के रस को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से खरीद कर सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अश्वगंधा के सेवन से होने वाली कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।